देखो लाडो अपने स्कूल के लिए रेडी हो गई है। लाडो लेकिन रो क्यों रही हो आप? चलो अच्छा मैं नहीं जाऊंगा अभी, मैं जल्दी आता। चलो चलो बाय बाय बाय। मुझे नहीं आते जाओ उसको। बाय सिट दे सिट दे। बाय बाय कशिश सिट दे। बाय बाय बाय। जी हाँ कांदिवली टू अंधेरी 10 रुपये में, मात्र 10 रुपये में आप जा और आ सकते हैं। इससे अच्छी सुविधा और कहीं नहीं मिलेगी। अब आप लोगों को दिखाता हूँ रोज़ की जद्दोजहद जो यहाँ का आम इंसान करता है। आप धीरे धीरे कैसे चढ़ते हैं। ऐसे ट्रेन खाली है आज? खाली है हाँ। सी देखिए ये बात, ये बात चलते हुए क्या बात है। चलो मैं भी चलता हूँ। यहाँ पे खड़ा होने का मज़ा है। देखिए भाई साहब भी खड़े हैं यहाँ पे, ये अलग ही मज़ा है। एसी से बेटर हवा और मज़ेदार, लेकिन रिस्की भी है। यस वी हैव रीच्ड मलाड स्टेशन। बस जनता से ये बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे कचरा ना फेंका करें। ये सब जो जाम होता है ना ये अच्छा नहीं लगता बस देख के। कूड़ेदान में कचरा डाला करें। तो अभी जस्ट मैं योगेश्वर स्टेशन से उतरा हूँ और रिक्शा ले लिया। यहाँ से अंधेरी की तरफ बहुत नज़दीक पड़ता है यहाँ से, इसलिए मैं योगेश्वरी उतर गया। और अब चलते हैं और आपको मिलाता हूँ। मैं अभी एक दिन से मिलाता हूँ। तो ये पहुंच गया हूँ मैं IPLS के ऑफिस। वेट कर रहा हूँ मैं अनुराग का। अनुराग आएंगे और उसके बाद साथ में काम होगा। तो सब कहते हैं कि गाड़ी ले लो यार, मुंबई में रहते हो तुम्हारा स्टेटस अच्छा हो गया है। मैं कहता हूँ गाड़ी लेना मुंबई में लाइबिलिटी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है, आपको जल्दी पहुँचाता है, चीपर रेट पर है। तो आई प्रेफर पब्लिक ट्रांसपोर्ट एनी टाइम ओवर एनी प्राइवेट व्हीकल। जी हाँ स्प्राइट थम्सअप कोका कोला सबका बाप हमारा छाछ। पिलाइए भैया एक ग्लास। हाँ बात है। थैंक यू। गोल्डन चैम्बर में गोल्डन मेमोरीज। अनुराग मौर्य हमारे विटनेस बन रहे हैं। अरे दीज आर द गोल्डन मोमेंट मैन। का मुझे था इंतज़ार, वो आ गए और इनकी वजह से आज हम भी IPRS मेंबर बन गए। बिजनेस में भाई साहब भी हैं, मैं कुछ अगर फ्रॉड करूंगा तो इनको पकड़ा जाएगा। लेकिन मैं कुछ करूंगा नहीं अनुराग, टेंशन मत। मैं कुछ करूंगा नहीं। फ्रॉड कोई कर ही नहीं सकता। फ्रॉड अगर कोई इसमें कर सकता है तो ऐसे लोग हैं जिनको बहुत ऊपर के लोग हैं। रॉयल्टी टाइम पे आता नहीं है वैसे। अभी तक मेंबर बन गए, अभी तक मेरे को अभी एक भी रॉयल्टी नहीं आई है। देखिए एक पोल खोल देंगे, 5-6 महीने हो गए मेरे को, भरे पड़े हैं, खोल देंगे पूरी पोल। भैया पिलाइए 2 गिलास और छाछ पिलाइए। अनुराग भाई का थोड़ा गुस्सा शांत करेंगे। अरे ब्लॉग शूट हो रहा है तो अब तुम्हें बाय तो करना बनता है ना। चलिए तो अभी आप लोग सोच रहे हैं मैं कहाँ पे हूँ। मैं हूँ अभी चाचा की दुकान पर और सनग्लासेस तो आपको मैं यहाँ से नहीं ले रहा हूँ, बट एक्सेसरीज मेरे को यहाँ पे अच्छी मिली। ये मैंने 2 चीज़ें अभी ली हैं, दिखाता हूँ क्या ली। तो मेरा जो चश्मे का बॉक्स था वो ख़राब हो गया था, तो मैंने ये वहाँ से रीज़नेबल प्राइस में, मतलब अगर हम बाहर शोरूम में लेंगे तो यही बहुत महंगा पड़ेगा, बट यहाँ पे मुझे मात्र इन्होंने केस करी कितने में, मात्र 100 रुपये में ये दिया। दो लिया मैंने। और जो ब्रांडेड अफोर्ड नहीं कर सकते बट अच्छा दिखना चाहते हैं तो यहाँ पे अंधेरी स्टेशन वेस्ट में आइए। बाहर वाला सेक्शन भी है बट दिस लाइक रीज़नेबल, दिस इज़ थोड़ा सा प्रीमियम। और यहाँ पे मुझे अच्छा लगा, ये सब बढ़िया है, छोटा सा दुकान बहुत बढ़िया सा है। ये चाचा थैंक यू सो मच। बहुत ही मज़ेदार मौसम बना है, बारिश हो रही है और वड़ा पाव खाने का बहुत मन कर रहा है अभी। तो देखते हैं कहीं वड़ा पाव कहीं मिले, स्ट्रीट साइड का मिले तो और मस्त है। दुकान का भी अच्छा होता है बट स्ट्रीट का वड़ा पाव
उसका अपना ही मजा है। तो देखते हैं अभी कहीं कुछ मिलेगा। तो बस पहुंच गया हूँ लोखंड वाला मार्केट में, वॉक कर रहा हूँ फिर पहुँचने वाला हूँ। मज़ा आ रहा है। बड़ा पाव तो नहीं मिला लेकिन सुषमा ने ये रखा था मेरे लिए और मैं बना रहा हूँ अपने लिए ऑमलेट। लाडू आ गई है स्कूल से। लेकिन लाडू आप इन करके जाती हो फिर ये ऐसे टी शर्ट निकाल के क्यों आती हो? अभी बैठा हूँ मैं व्लॉग अपलोड करने के लिए और जब मैं सौरव जोशी को देखता हूँ ना कि 12 घंटे में 4 मिलियन व्यूज, फ्लाइंग बीस्ट हमारे गौरव भैया 3 घंटे में 3,12,000, ये भी मुझे अच्छे लगते हैं ये फीमेल क्रिएटर वाले। और मतलब अच्छा लगता है इन लोगों को देख के, इंस्पायर होता हूँ कि काश एक दिन ऐसा दिन आएगा मेरा भी कि मेरे भी ऐसे ही होंगे 12 घंटे में 4 मिलियन या 1 मिलियन या ऐसे। अच्छा लगेगा, बड़ा देख के सुकून मिलेगा, बहुत अच्छा लगेगा। और मैं मतलब एडवर्टाइज़ नहीं कर रहा हूँ इन लोगों की, मतलब मुझे सारे ही पसंद है। देखिए मैशेबल वाले बहुत मस्त करते हैं ये अपने रणवीर अलाहाबाद। या बोलने का मतलब यही है कि इनमें कुछ ना कुछ ऐसी इंस्पायर करने वाली बात है इसलिए मैंने इनको सब्सक्राइब कर रखा है। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो, क्या रहा है? मस्ती नहीं हो रही है ना? रेयू को सब्सक्राइब कैसे कोई कर सकता है? एडिटिंग चल रही है और ये लोग का नाटक भी चल रहा है। डिनर में जब ये बनता है तो क्या ही बताऊं मैं। ये देखिए कहाँ गया, कहाँ गया? इधर हूँ। आहा, सबसे बेस्ट डिनर है भाई साहब, वेट कर रहा था मैं। व्हाट एल्स यू नीड व्हेन यू हैव इडली एंड चटनी इन फ्रंट ऑफ यू? थैंक यू सो मच हमारी धर्मपत्नी जी, क्या बात है। चलो आई कांट वेट एनी मोर, ऐसे तोड़ो फटाफट। मिथ्या द कन्फ्यूजन आपको देखनी है आरके क्लब यूट्यूब चैनल पे, इसका लिंक मैं डाल रहा हूँ अभी। सो इडली खाने के बाद अब नींद भी आ रही है, लेकिन नींद आने से पहले मैं एक चीज़ दिखाना चाह रहा था। आप लोग वैसे जानते हैं कि मैं म्यूज़िकल छेल नाम का भी मेरा एक चैनल है और उस पर मैं इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स रिलीज़ करता हूँ और जो भी बन पड़ता है एज अ प्रोड्यूसर मैं पैसे लगाता हूँ। और कितना मुश्किल होता है एक प्रोजेक्ट को फाइनेंस करना, कॉन्सेप्ट सोचना, डायरेक्ट करना। ब्लॉगिंग तो मैं करता ही हूँ ऑफकोर्स, ये भी मैं वन मैन आर्मी की तरह ये भी कर रहा हूँ, म्यूज़िकल छेल भी कर रहा हूँ, म्यूज़िकल छेल भक्ति भी कर रहा हूँ। तो सभी पे, चाहे वो पैसे से हो जाए, चाहे वो कॉन्सेप्ट के हिसाब से हो जाए, गाना हो जाए, तो मैं जानता हूँ कि एक इंडिपेंडेंट मेकर की जो जदोजहद होती है क्या होती है। मेरे पीछे अभी आप ये देख रहे हैं जो टीवी में चल रहा है अभी, आरके क्लब, एक जयपुर में ये लोग रहते हैं आरके क्लब में, जिसमें सारे दिलशाद हैं, तारू कुमावत हैं। तो ये लोग जो मिलके हमेशा कुछ ना कुछ कोशिश करते हैं ना, उस कोशिश को मैं बहुत सराहता हूँ। और मैंने आपको कुछ देर पहले बताया ना कि फ्लाइंग बीस्ट हैं, सौरव जोशी हैं, वी मेक क्रिएटर्स वाले हैं, रणवीर अलाहाबादिया हैं, ये लोग मुझे इंस्पायर करते हैं इसलिए मैंने इनको सब्सक्राइब कर रखा है। पर जब मैं इन लोगों को भी देखता हूँ ना, इन बच्चों को, कि ये लोग लगे हुए हैं, हिम्मत नहीं हार रहे हैं अपनी, ये लोग भी मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं। और आप लोग इनका ये नया वीडियो आरके क्लब का, मैं इसका लिंक अभी इस डिस्क्रिप्शन में डालने वाला हूँ, आप लोग ज़रूर देखिए। सीख रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, आप लोग प्यार बनाए रखिए। और आई होप यू गाइस एंजॉयड द व्लॉग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कमेंट करिए एंड बताइए कैसा लगा। बाय बाय, टेक केयर।